ओम सहनाभवतु सहनोभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवितवरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव एति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। समकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखा अमृतद्रवसंयुतम् यत भागवतं रसमालयं मुहुरुः। रसिका भुवि भावुकाः प्रभुजी मोरे अवगुण चेतन धरो। प्रभुजी मोरे अवगुण चेतन धरो। तमदरसी है नाम तिहारो। समदरसी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो। चाहो तो पार करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चेतन धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चेतन धरो। एक नदिया एक नार कहावत। एक नदिया एक नार कहावत। समदरसी है नाम तिहारो। समदरसी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो। चाहो तो पार करो। एक नदिया नार कहावत। एक नदिया एक नार कहावत। लोहिनी भरो। मैं लोहिनी भरो। जब मिलके दो एक वरन भरे। जब मिल के दो एक बरन भए। सरे नाम परो। सूरस
हरि नाम परो दास बहुत सुंदर कहते हैं प्रभु मो पाखे अवगुण अच्छी तमें तो गुण रंडार सागर जदि मोर अवगुण तुम पाखे मिसला भी तुम कि असुविधा हवनी बल्कि मो जीवन धन्य जमी गंगा पाखे सहित गोटे नाड़ा भी मिसी जा नाल भितर महिला अच्छी किंतु जो महिला नाड़ी गंगा मिसी जा सूर्य सरी नाम पर एक लोहा पूजा मेरा खत एक लोहा पूजा मेरा खत एक घर बाधे का परो एक घर बाधे का परो आरस गुणा गुणा नहीं चिता बता पारस गुणा गुण नहीं चितवत चनकारत करो कंचन करत करो। नेक्स्ट वाक्य बहुत सुंदर प्रभु गोटे हूँ ब्रह्म आ गोटे हूँ माया माया तो किसी नाई एक माया एक ब्रह्म कहावे एक माया एक ब्रह्म कहावे दास झगड़ो सूरदास झगड़ो अब की बेर मोहे पार उतारो अब की बेर मोहे पार उतारो प्रण जात डरो नहीं प्रण जात डरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो अवगुण चित न धरो अवगुण चित न धरो लाल के जय भागवत महापुराण के जय महाराज के जय महाराज के जय अनंत महाराज के जय पार्वती पते हर हर गतकाली आम मैंने 53 अध्याय रे भगवान कृष्ण बलराम सहित इमानंकर जो युद्ध चलता आउ युद्ध टा को बंद कर दे युद्ध बंद ही नथला कथा अनुसार युद्ध बंद ही आरंभ करता अनुसार समय अनुसार देखिए जो कथा प्रसंग रखे से वक्ता को भगवान बड़ा सुंदर रे वक्ता को जो कथा कहते ना भगवान बहुत भल पाते वक्ता भितर स्वतंत्रता गोटे न्याय शास्त्र गोटे बहुत बड़ा प्रसिद्ध लेखक थे मान कवि थे भक्त थे सीए जगन्नाथ मंदिर दर्शन करिया कले उदयन शास्त्री उदयन शास्त्री एते सुंदर कथा ना जगन्नाथ मंदिर को जेतले भले सेतबेले दरवाजा बंद थिला जेतले दरवाजा बंद थिला से गोटे स्तुति कले प्रभु जल्दी खोलतु बौद्ध धर्म जो आसला ना से आपण को बौद्ध बोली से मैंने स्वीकार कहते आम मैंने न्याय शास्त्र वाला आम मैंने भक्त वाले आम मैंने वेदांत वाले ही आपण को प्रतिष्ठा कर
ତେଣୁ ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠନ୍ତୁ ଆମ ଆମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ ନଚେତ ନାସ୍ତିକ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଦେବେ ଯଦି ନ ଉଠୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ତର୍କ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଆଜି ଠାରୁ ମୁଁ ମୋର କଥା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି ନାସ୍ତିକ ମାନେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ କୁହାଯାଏ ଦରବାଜା ଖୋଲି ଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା ତେଣୁ ଭକ୍ତାଧୀନ ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସ ଋଷିଙ୍କୁ ଅହମ୍ ଭକ୍ତାଧୀନ ନାହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଜ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହଁ ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଅଧୀନରେ କାଲି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶୁଣନ୍ତୁ ବକ୍ତା କଣ କରିବା ରାମନବମୀରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ କରିଦେବେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମରେ ରାମ ଜନ୍ମ କରିଦେବେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ କରିଦେବେ ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଯା ହଉ କଥା ଚାଲିଛି କଣ ହେଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ଘୋର ଚାଲିଲା ଶିଶୁପାଳ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରୁନି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ହାରିଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ତା ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲାଣି ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଛି ହା ଶରୀରରେ କାନ୍ତି ନାହିଁ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ଜରାସନ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ନା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯାଏ କି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦରରେ ଜ୍ଞାନଟା ଆସିଯାଏ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଆସିଯାଏ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦଉଛି ଅଲଗା କଥା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ତତ୍ଵଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର ଅଛି କଣ ଶିଶୁପାଳ ଆପଣ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ଯେ ଆମର ଅନୁକୂଳ ହବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିରତା ହବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ ଇଏ କୌଣସି ଜୀବନରେ କାହାରି ଜୀବନରେ ଯଦି ଘଟେ ନାହିଁ ନ ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ ରାଜନ ନିଷ୍ଠା ଦେଇ ହିସ ଦୃଶ୍ୟତେ ନିଷ୍ଠା ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ହବନି ଇଏ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଅପ୍ରିୟ ଚାଲିଥିବ ଇଏ ଯୋଉ 12 ନମ୍ବରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉଟାକି ହୃଦୟ ସର୍ଜନ ତିଷ୍ଠତି ଅନ୍ତରାରୂଢ଼ାନି ମାୟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜରାସନ୍ଧ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯଥା ଦାରୁମୟୀ ୟୋସି ନୃତ୍ୟତେ କୁହୁକେ ଛାୟା କୁହୁକ ଛା ମାନେ ଯାଦୁଗର ଯାଦୁଗର କଣ କରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାଠ କଣ୍ଢେଇକୁ ନାଚାଏ ଆପଣ ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନେକ ସମୟରେ କହିଛି ବିଶେଷ କରି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପିଲାବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏବଂ କେତେଜଣ ଫ୍ରିରେ ଦେଖାନ୍ତି କେତେଜଣ ପଇସା ନେଇକି ଦେଖାନ୍ତି ପଇସା ଦେଖିଲେ ତାର କଡନ ହୁଏ ଯେମିତି ଅପେରା ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ହୁଏ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏମାନେ କରନ୍ତି କାରଣ କଳା ସୂତାରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କଣ୍ଢେଇ ଯୁଦ୍ଧ ବି ହୁଏ ଇଏ ବି ହୁଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ ତାର ଟପିକ ମଧ୍ୟ ରଖାହେଇଥିବ ବଢିଆ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇକୁ ସେ ଚଳାଏ ଜଣେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ବସିଥିବ ସେ ଉପରେ ଶୋଇଥିବ ବସିଥିବ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିବ ତାର ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ପୁରା 7 ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ତାପରେ ଏଇଟାରେ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ହାତରେ କେତେ କେମିତି କୋଉଟା କୋଉଠୁ ବୁଲଉଥିବ ସବୁ ଚାଲିଥିବ ତାପରେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଆଉ ଜଣେ ଗୀତ ଗାଇବା ଲୋକ ଥିବ ସବୁ ଚାଲିଥିବ ମଜା ଲାଗେ ଘଣ୍ଟାଟା ବି ଚାଲିଯାଏ ଏଇଟାରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଏ ଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଯଥା ଦାରୁମୟୀ ୟୋସି ନୃତ୍ୟତେ କୁହୁକ ଛାୟା ଯାଦୁଗରର ଇଚ୍ଛା କୁହୁକ ଇଚ୍ଛାୟା କୁହୁକ ମାନେ ଯାଦୁଗର ଯାଦୁଗରର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଯେମିତି ନାଚନ୍ତି ସେମିତି କାଳ ଅନୁସାରେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉ ସେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ନାଁଟା କହୁଛି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ସିଏ କୃଷ୍ଣ ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ଗୌଡ ଛୁଆ ଆଉ ଗୋପାଳ ଛୁଆ ଆଉ ସେ କଣ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏକମ୍ ଈଶ୍ୱରତନ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତୁତନ୍ତ୍ର ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରତନ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେମାନେ କଣ ଭାବୁଛୁ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆରୋପିତ କରିଦଉଛୁ ଆମର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କଳୁଷିତ ବାସନା ରାଜସିକ ଏବଂ ତାମସିକ ଆମ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ତାକୁ କଳୁଷିତ କରିକି ଆମେ କହୁଛେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ସବୁ ମିଶେଇକି ସିଏ ହେବେ ନା 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 ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଟା ମାୟା ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଦ୍ୟା ମାୟା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବିଦ୍ୟା ମାୟା ଦିଟା ଜାଗା ଆଜ୍ଞା କଳ୍ପନା ବିଦ୍ୟା ମାୟାରୁ ସେ ଜଗତଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟା ମାୟାରୁ ସେ ଯୋଉ ଜଗତଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏ ଅବିଦ୍ୟା ମାୟା ଯୋଗୁ ଆମେମାନେ ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛୁ
काम मानक भितर सात्विक राजसिक तामसिक जो आसुची ना ये अविद्या माया जो आसिक टे विद्यार माया जिते सात्विक भाव आसवे अविद्या माया कौन विद्या माया कौन बुझा सामर्थ्य आस संजाते ज्ञानम तेना ये निजे कहते ईश्वर तंत्र से ईश्वर तंत्र आर भगवान से माने भगवान को प्रति आरोपित आरोपी कृष्ण को प्रति करी तो मनुष्य जो सुख दुख मिलूत सुंदर जरासंध उपदेश दौरान देखो वेदांत मनुष्य जो सुख दुख पाँच ये केवल काल अधीन मनुष्य ईश्वर अधीन तमें चिंता कर देखु ना एग्जांपल देख कृष्ण 17 थर आमको हरेला मुस्तेस अक्षण सैन्य सहित आक्रमण कर किंतु लास्ट 18 थर रे कृष्ण हार लगे ना एवं कृष्ण बलराम धीरे धीरे लुचिक चल लगे ना कृष्ण बलराम लुचिले रण रण छोड़ हेले रण भूमि भूमि रण भीरु हेले एवं मोर जो सेनापति काल जवन थेला ताको गोटे टैक्टिक्स करके ताको मरे देला भीष्म जना पड़ला नि गुफार कौन हेला केमते ना ये मुचुकुंद एमती है ये सब जान ना से कौन आमर काल जवन गोटे कुहुक करके जादूगर भाया कम कर मारदेला ये कौन कर हारिगले ना कारण राताराति से मथुरार सब नहीं गले गोटे पानी भितर गोटे द्वारका कले डर एथर सीए अगेन किसी गोटे माया करके बलराम को जीतले ना तेना चिंता करनी प्रारब्ध अनुसार सब हो तथापि अहम न शोचा मुझे दुख हेली ना काले न दैव युक्त देख दैव युक्त काल काल अधीन समस्त मानुच जत हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष मला से हिरण्यकशिपु जिते हिरण्याक्ष पत्नी आजर माँ दत्ती को मध्य कहला कि माँ ये सब नीति सुख दुख चले ये हूँ केवे काल अधीन हुए तुम्हें चिंता कर मनुष्य जन्म हो मान मर देखो सी मध्य बड़ा सुंदर उपदेश दे राक्षस उपनिषद कहते तैत्री उपनिषद अमृतबिंदु उपनिषद ये सब शुणुंट राक्षस उपनिषद ये मान रावण कंसर हिरण्याक्षर हिरण्यकशिपुर ये जरासंधर उपनिषद ज्ञान तत्व क्या प्राक्टिकाल निजपाई करना ये ही भगवान बोले जानपर ना कृष्ण ही भगवान देखु ये जगत को नचौच कि ये प्रारब्ध अनुसार तेना चिंता करंतु न काल ही सब किसी चिंता करंतु बड़ बड़ सेनापतिर मध्य नायक तथापि आज कृष्ण कौन कला हरेदेला आम मान कहीं कारण कौन काल आम पाई विपरीत है काल जेते बड़े देवता माने मध्य जीति गले ना सेते बड़े असुर माने मध्य ई कथाटी कहे बलियादि के काल अच्छी जो देवता माने मध्य हारीगले ना से अनुभव कले कि बृहस्पति भी कहले कि काल प्रभाव पड़े तेणु ये सुंदर उपदेश दे मित्र चिंता करनी हो किंतु जो रुक्मी थिला बहुत अहंकार थिला सी कहला मु बिल्कुल सुनिबार नहीं मु वर्तमान कौन करुछी कि मोर प्रतिज्ञा करुछे मोर भौणी को जो हरण कर कृष्ण मु अक्षणी एक अक्षणी संज्ञा नहीं कि वर्तमान बाहर ये समस्त प्रतिज्ञा कृष्ण को मारिबी भौणी को आनिबी जदि मु भौणी को न आनी पारिबी आउ राजधानी कुंडिन नगर प्रवेश करिबी एटा हूँ मोर प्रतिज्ञा सतरे से बहुत घोर प्रतिज्ञा थिला एवं मोर तार जो दुष्ट बुद्धि जी मोर जो तीक्षण बाण मु बहुत तपस्या करी भगवान शंकर ठारो मो पाखे बहुत अस्त्र शस्त्र अच्छी तो बर्तमान मु जाऊ तो एक अक्षणे सैन्य नहीं कि देखो रुक्मिणी रुक्मी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता देखो शुद्ध पानी जो थी ना से रिफ्लेक्शन पड़े मनुष्य देखो गोटे हूँ भीष्म राजा ये प्रसंग नहीं कौच से जानते कृष्ण किए भगवान जो आसिले भगवान सांगे सांगे व्यवस्था कले पूजा आदि कले अतिथि स्वाकार कले
ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରୁକ୍ମିଣୀ। ରୁକ୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ମା ହଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧମତୀ, ନା ହିଁ ଶୁଦ୍ଧମତୀ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧମତୀ, ତେବେ ଯାଇକି ରୁକ୍ମିଣୀ ହେବେ ନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବତାର ଯଦି କାହା ପାଖରେ ହବ, ଭୀଷ୍ମକ ଭୀଷ୍ମ ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ, ଯେ ଡିଟରମିନେସନ, ଡିଟରମିନ ଭୀଷ୍ମ ନୁହଁ ଭୀଷ୍ମକ ହେଲା। ତ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଉ ବାକି ରୁକ୍ମ ବାହୁ, ରୁକ୍ମ କେଶ, ରୁକ୍ମ ମାଳି, ରୁକ୍ମ ରଥ, ଏଇମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ବହୁତ ଗର୍ବୀ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବ ହେଇଯାଏ ନା, ଅହଙ୍କାର ହୁଏ, ରଜସ ଏବଂ ତମସ ବଢେ, ତାହେଲେ ବିଚାର ଆସେନି, ସେ ଜାଣିପାରେନି। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଜାଣିନଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କହିଲା, ସାରଥି କହିଲା ଶୁଣ ଯୋଉଠି ବି କୃଷ୍ଣ ଥିବେ ନା ମତେ ସେଇଠିକି ନେଇଯାଅ। ଓ ସାରଥି ନେଇକି ଚାଲିଲା, ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସାରଥି ନେଇକି ଚାଲିଲା, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେରେ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଶୁଣ, ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, କପଟରେ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସବୁବେଳେ ଜିତି ଯାଉଛୁ, ମୋର ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେ ସ୍ୱର ମାରିଲା, ଧନୁଭଙ୍ଗ ପାଇଁ 6 ସ୍ୱର ତୁରନ୍ତ ମାରିଲା। ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ସ୍ୱର ମାରିଦେଲେ ଏବଂ 4 ଘୋଡ଼ା ର 8 ସାରଥିକୁ 2 ସ୍ୱର ସେ ମାରିଲା, ପୁଣି ତାର ଧ୍ୱଜର 3 ସ୍ୱର ମାରିକି କାଟିଦେଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଲା, ଆଛ ଏହିପରି କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ଧନ ନେଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁରା 5 ସ୍ୱର ମାରିଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ମାରିକି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଧରିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ମାରିକି କାଟିଦେଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଘ 25 16 ଢାଲ ଖଡ଼ଗ ଶକ୍ତି ତୋମର ଯେତେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଘୋର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାୱାରଫୁଲ ଥିବ ତେବେ ବିରୋଧ କରିପାରିବ ନା, ଜରାସନ୍ଧ ଭଳିଆ ଲୋକ ବି ଡାଉନ ହେଇଗଲା। ତ ଜରାସନ୍ଧ, ଶିଶୁପାଳ, ଦନ୍ତ ବକ୍ର, କୌଶିକ, ବିଦୁରଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ମିଲିୟନ ଲୋକ, ଟେରରିଷ୍ଟ ଲୋକ ଏକଠା କରିପାରୁଛି ମାନେ କଣ କମ କଥା, ଏବଂ କହୁଛି ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇପାରେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହାରିଗଲେ, ଇଏ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଯାଇଛି, ଆ ପାଖରେ ଯେତେ ଥିଲା ସବୁ କଲା। ରୁକ୍ମି କ୍ରୋଧ ହେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ତରବାର ମାନେ ତଲବାର ଧରିଲା ଏବଂ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବସିଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଝପ୍ତି ଆସିଲା। କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ବାଣ ତାର ଢାଲ ତରବାରକୁ ଟିକ ଟିକ କରି କାଟିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାର ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେଖିଲେ କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଏମିତି ହେଲେ। 33 ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ 54 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛେ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରମେ ଆତ୍ମନ୍ ଦେବ ଦେବ ଜଗତ ପ୍ରତେ ହନ୍ତୁ ନାର୍ହସି କଲ୍ୟାଣ ଭ୍ରାତରମ୍ ମେ ମହାଭୁଜ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେବତା, ଆପଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସବୁକିଛି, ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି, ଆଉ କୃପୟା ଆପଣ ମାରନ୍ତୁନି ଯେତେ ହେଲେ ମୋର ଭାଇ। ରୁକ୍ମିଣୀ ବହୁତ ଡରିଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ମହତ୍ତା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁଖୀ ଗଲେ ପତ୍ର ଭଳିଆ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହାଳ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଦୟାଳୁ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ମାରୁନି। କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ତାର ଶତ୍ରୁତା ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବସିଲା। ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ତାର ଯୋଉ ଉତ୍ତରୀୟ ଥିଲା ନା, ଚାଦର ମାନେ ଉତ୍ତରୀୟକୁ ଧରିକି ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ, ଏବଂ ଟିକେ ଦାଢି ନିଶ କେଶ ଟିକେ କାଟି କରିକି ତାକୁ କୁରୁପ କରିଦେଲେ, ଯେମିତି ହାତୀ ପଦ୍ମବନକୁ ମନ୍ଥି ପକେଇଲା ନା, ସେମିତି ଯଦୁବଂଶର ବୀର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ସେନାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଇଦେଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ତାର ନିଜର ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବା ଦେଖିକି ଅବସ୍ଥାରେ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ନା, କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଛାଡ଼େ, ତୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ,
जेते हेला हमर बंधु भाई ना दि वर्तमान तो मूल रिंत सड़क एमती कर सारे देखो क्षत्रिय लंडा कर देवटा ही मृत्यु समान छाड़ दे तो कृष्ण सांगे सांगे भाई को कथा सुनले भगवान तो लीला कर सब किसी भगवान को लीला छाड़ दे बलराम देखो आम जो लक्ष्मण अवतार ना लक्ष्मण उपर क्रोधी कितु भितरे दयालु सेमती दया बलराम उपर क्रोधी प्रत्येक समय टे रागि किंतु यही समय से देखिले कृष्ण बाहा हब प्रथम बाहर एमती सब झगड़ा हवाटा भल नुह तेणु बड़ा सुंदर उपदेश दे कृष्ण तू छाड़ दे जो उपदेश दे से उपदेश रे तुम भाईर जो विकृति करदेला खराब भाव कृष्ण जो कला एटा तार जग नु नियम अनुसार तार कर्म जो से पाइला सुख दुख तो न चान्यस्ति यत स्वकृत भूक पुमा 38 एटा अंडरलाइन कर सुंदर वेदांत कथा कहते बलराम किए शब्द ब्रह्म शब्द ब्रह्म अनंत भगवान अंशर अवतार कहते मनुष्य को जो सुख दुख मिलूचे ना अन्य जो मिलूनी निजर कर्म अनुसार जो भी मनुष्य को सुख दुख मिलता है वो अपने कर्म के अनुसार निजर कर्म अनुसार ही सुख दुख मिलूच ये जन्म रो बा पूर्व जन्म पूर्व जन्म कर्म खराब जदि थ गोटे भल पर देखिए असुविधा हम आदि सुख थी जन्म थी देख ला बेलू तेनाज कर्म अनुसार मनुष्य बाकी जो किए प्रचार करे कौन हुए वो सब निजर निजर ये कह बाहर सुंदर कथा कह सुख दुख निजर कर्म अनुसार स्वकृत भोग कुमार निजर कर्म अनुसार ही भोग करे 39 रे कहते ब्रह्मा द्वारा ये जो क्षत्रिय धर्म मध्य ना ये बहुत निष्ठुर धर्म 39 बंधुर बदा ही दोषोपि न बांधवो अधर्म हति त्याज्य स्वनैव दोषेण हत किम हन्यते पुनः अर्थात ये जो क्षत्रिय धर्म ये ठीक नो कौन ये ये मनुष्य तो निजर अपराध दूर मरीगला चिंता करिया उचित नो रुक्मणी तुम्हें बहुत दुखी हो बर्तमान तुम कल्याण कल्याण माने विवाह कल्याण हिंदी कल्याण बहुत सुंदर माने अलग हास्य परिहास वक्रोक्ति न्याय कल्याण माने उसका कल्याण हो गया माने गला से अर्थ एड नो कल्याण तीन टा अर्थ गोटे हूँ कल्याण माने विवाह कल्याण मंडपम आ गोटे से कल्याण माने तार भल हला कल्याण भल हला आउ गोटे कल्याण हो गया मान गया मर गया तेणु बलराम मन मान भावुंत आर बह प्रसंग कहीं सब युद्ध करवा बुझौर आ मन भितर किसी न हो ना से भाव नुआ बोहूटी आसब मूल रू बा न हो झगड़ा स्टार्ट आ मो पतिदेव कृष्ण एत निष्ठुर एवं बहुत बुझे देख क्षत्रिय धर्म यहाँ निष्ठुर धर्म किए का मार दौ देखुन इंद्र देखुन तार माँ दीदी घर पर जाज भाई को पूरा मारदेला क्षत्रियाणम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मत भ्राता भी भ्रातर महन्या भाई भाई को मारे एटा इंद्र मारु तो मन थी आप कथा जो कही मरुत वंश जित वर्णन करने जाते मारुत इंद्र कौन कले पूर्व दीति कौन कले पूजा कले पुनशवन व्रत कले जानीदेले इंद्र की इंद्र को मारिबा पाई दीति कश्यप द्वारा आदेशित बा जानी बतेवा अनुसार विधि अनुसार व्रत करुछन पुनशवन व्रत प्रसिद्ध पुत्र बाहर ब्रह्मचारी की आसिकले सेवा कले सी
शरीर भीतर प्रवेश कर दले से भावले पुओटा को मारदेवि तो पुओटा को जितना मारी चंदी सात खंड कर सतटा पुओ हो गला आज्ञा डरीगली से सात रु फिर आउ थे खंड कले अंचाश पुओ हो गले ये मैंने सब कांदिया को लगे देन ये कहले मारुत मारुत कांद नाही मु तुमको देवता स्थान दे दौची से मरुत जदिओ द्वितीय दीतिर पुत्र हेल्ले दैत्य हवा उचित किंतु इंद्र तेतरे प्रवेश कर भाई भाई हेले से पर दे गोटे अधा एग्जाम्पल नौ बलराम कहते भाई ये भाई को मारे बसला कहीं पावर जो क्षत्रिय धर्म सिया राजस्य भूमि वित्तस्य स्त्री मानस्य तेजस देखुन ना कौन राज्य पाई धन पाई जमी बाड़ी पाई स्त्री मान ये सब पाई अन्यान्य कारण रु बंधु बांधव निंदा एवं अवज्ञा कर मनुष्य सुंदर उपदेश दौर कहले शुण शुण तुम भाई बंधु मान समस्त प्रति दुर्भाव रखती कारण से मंगल निम्ते आम मैंने दंड देलु रुक्मी की जो देलु छाड़ जो मैंने भगवान को मायार मोहित अच्छी देह को आत्मा बोली भावुंट पूरा 43 रे पूरा वेदांत अच्छे आत्मा मोह नृणामेश कल्पते देव मायया सृहदासीना देहात्म मानिना आत्मा मोह जाते से मित्र बोली भावते क्या शत्रु बोले भावते एवं कहा सहित तो उदासीन होंगे से भीतर भेद बुद्धि जात ही था कारण शरीर को ही से आत्मा बोले भावते सतरे सब देहधारी आत्मा एक पूरा वेदांत 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 दुई एपटे 1, 2, 3, 4, 5 सातटा श्लोक पूरा वेदांत बुझौन सतटा श्लोक वेदांत बुझौन देखते कौन बुझौन आत्मा होची गोटे कार्य कारण सहित तो मायार कौन से कारण आत्मार संपर्क ना जमी जल और घट भितर दिशुवा सूर्य और चंद्र उज्जवल पदार्थ आकाश भिन्न भिन्न बोध हुए सेमिति अद्वितीय परमात्मा रो अज्ञानी कौन प्रतिबिंब देखिक भावे के अलग अलग मुझे सुंदर एग्जाम्पल रे दिए ये जो अमृत बिंदु उपनिषद दे मन रखता गोटे हूँ घड़ा घट है कलसम खाली जदि पानी नाही आकाश देखुं बाहर मध्य आकाश देखुं बाहर आकाश को महाकाश भीतर को आकाश को घटाकाश ये कौन से विरोध नु मान अलग अलग नु या कहते अवच्छेदवाद मान पानी नाही केवल आकाश अच्छी अवच्छेदवाद पानी टा मिस दिंतु पानी पकई दिंतु तुम अवच्छेदवाद हमने आकाश देखा कारण आकाश टा भर्ती गला पानी द्वारा किंतु प्रतिबिंब देखा सूर्य व चंद्र ताला प्रतिबिंबवाद अवच्छेदवाद ठारू प्रतिबिंब प्रतिबिंबवाद ठारू अवच्छेदवाद पावरफुल कहीं प्रतिबिंबवाद पानी दरकार पड़ी अन्नेसरी आउ गोटे फैक्टर आवश्यक पड़ी अवच्छेदवाद किसी फैक्टर ना तो प्रतिबिंबवाद गोटे अस्तित्व ने पड़ी तार ना हूँ अंतकरण से कहते हैं अंतकरण ही आम मान बाधा विघ्न कर अवच्छेदवाद द्वारा अर्थात जीवात्मा परमात्मा एक दिटा जाक बुझे एवं पंचभूत पंच प्राण पंच तन्मात्र त्रिगुण ये सब शरीर स्वरूप अज्ञान हेतु आत्मार आरोपित कर सतरे नाही साक्षिण पुरत भानम लिंग देहे न संयुक्त चितिच्छाया समावेश जीव सद व्यावहारिक ये 45 नंबर श्लोक कहते मनुष्य खाम खा आत्मा को न जाणिकी शरीर द्वारा जो जीवात्मा प्रतिभास होचे ताकु ही मनुष्य भावचे मु ए शरीर को मु भावचे अहम एषा मम एते इति अध्यासः मु एमानंकर एवं एमाने मोर ई भावना ही दुखर कारण सूर्य नेत्र रूप को प्रकाशित करे किंतु सूर्यर कोनसे संबंध न थाय वस्तु सहित अच्छा ये जो शरीर रे धर्म 46 रे कहउचंदे नात्मन नेन संयोग वियोग शास्त्र तस्ति तद्युक्तात् प्रसिद्धः उद्व्याभ्यं यथा रवेः 47 कोचन
जन्मादेयस्तु देहस्य विक्रियानात्मनः क्वचित् जन्मादेहस्य देहस्य विक्रियानात्मनः क्वचित्। आत्मा कौन सी क्रिया नहीं, आत्मन क्रिया नास्ति आत्मबोध बोले। देहस्तु जड़ देह जड़ और आत्मर क्रिया नहीं, किंतु ये मिशिला पर गोटे जीव बाहर जाऊँ एवं शरीर छोटा विकार रोच कौन कौन जन्म हवा सत्तावान हवा अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षयते विनश्यते इति एपरि भावरे वर्णन रोच यथा शयान आत्मनाम विषयान फलमेव च निद्रे मनुष्य सोई थिवो। बलराम केते सुंदर कहछन ना, निद्रे मनुष्य सोई थिवो स्वप्न देखियो, स्वप्न रे कोनो से वस्तु अछि कि भोक्ता भोग्य भोग कुछ भी नहीं, केवल गुठे मात्र समिति संसार रे। देयरफोर अज्ञान वशत जात होतो मनुष्य अज्ञ तस्माद अज्ञान जम शोकम आत्म शोष विमोहनम, तुम्हें दुख कर नहीं, शोक त्याग कर शांत ही जा, तुम स्वाभाविक आत्मस्वरूप प्रतिष्ठा हो तत्व ज्ञान नृत्य स्वस्या भव शुचिस्मिते। हे शुचिस्मिते ना बड़ा सुंदर कोचन शुचिस्मित मन जान चले तुम्हें शुचिस्मित मन हे साध्वी तुम्हारे तुम पवित्र सूची और तुम्हारा तुम्हार जो स्मित तुम्हारे जो हास्य मध्य पवित्र तुम मैंने ठीक रे खुशी रे तुम्हें हे स्मित बदाना भगवान कृष्ण खुशी रे जाहु बड़ो भाई उपदेश देले आ ये तो माँ ये तो लक्ष्मी ये लीला कर चंदे यही परी भाव रे पूछन देखो रुक्मिणी चुप ही गले एवं रुक्मिणी किंतु आउ विरूप जितने ही थला सी तो प्रतिज्ञा कर दे थला ना मुझे तेणु भोज कटक गोटे जगह भोज कटक 52 नंबर श्लोक अच्छी भोज कटकम नाम से रही बहुत तपस्या कला माना जाए तपस्या कर बहुत बर पाई बलराम ही रुक्मी को मारदे आगे टपिक राशि भगवान कृष्ण यहीपर भाव राजा को जय करी रुक्मणी गद बलराम जिते सब जदो सेना खुशी है गली बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय कृष्ण भगवान के जय बलराम भगवान की जय रुक्मणी माता की जय। ये बड़ी भाव रे खुशी के जत आसीले द्वारका रे समस्त स्वागत करे नुआ बहु असुन ना वसुदेव देव की बेसी खुशी बापा मां माने खुशी होंते पूज तले भाव होंते। रेवती तो बड़ रानी रेवती होसन बलराम को स्त्री आ रेवती बड़ रानी सी मदे सब व्यवस्था करो छंदे सुंदर सुंदर वस्त्र पिंधिंट नवदंपति को आने की भगवान बाकायद बह कर पार्जापत्य देव जमी राक्षस अनुसार आनीसले सीना कि मंडप रे गर्गाचार्य अन्यान्य सब आचार्य मान आसिक पूजा पूजा कर द्वारका पूरा सजा हो गला तोरण लगिगला सबकि लगिगला खुशी हो गले छिंचा होगा के जानते क्या ब्रह्मा मध्य आसिले ब्रह्मा मध्य कहले कि करंतु मार्गशीर पंचमी तिथि रे भगवान बाहित मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि भगवान बहुत सुगंध सब हेला सुंदर मान आनंदी आनंद गुरु सृंजय कैकई विदर्भ जदु कुंती समस्ते बंधुवर्ग आसते भीष्म को मध्य आदि सब जाते बाह भगवती लक्ष्मी ही ना लक्ष्मी ही सुद्वारकायम अभूत राजन महामोद पुरोपसं रुक्मणं रमयाः रमयोपेतः दृष्ट्वा कृष्णं श्रिया पतिं श्रीकृष्णंक सहित विराजमान है कि बहुत ही खुशी है। एपरि भावरे 54 अध्याय सरला वर्तमान 55 अध्याय रे हम माने भगवान रुक्मणींकर जो पुत्र हेले प्रद्युम्न तांकर कथा में सारिवा तो अनेक विवाह अछि ना तो सारिवा भगवान कामदेव होचंदे वसुदेव वासुदेवंकर अंश भगवानकर अंश आपण जानिछने कहानी मध्ये जानिछने रामचरित मानसर वर्णन अछि भगवान कोन कले रुद्र शंकर भगवान तपस्या करथले जेतले घोर तपस्या कले इंद्र को डर लागला इंद्र कोन कले पठेले कहा को कामदेव कामदेव बहुत अन्यान सब तांकर जते इंद्रंकर जो अप्सरा थला सब पठेले किछि हेलानी भगवान शंकर ध्यान समाधि रे अछि कामदेव कौन कले
ଗଛର ଗୋଟେ ଆହୁଡ଼ାରେ ଆମ୍ବ ଗଛର ଆହୁଡ଼ାରେ ରହିକି ଲୁଚିକି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚ ବାଣ ପାୱାରଫୁଲ ବାଣ ପଠେଇଲେ। ବାଣ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଲେ ହଠାତ୍ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଖୋଲିଦେଲେ ଆଖି। ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ଯୋଉ ଆଖିରେ ଯୋଉ ତେଜ ତ୍ରିନେତ୍ର ପ୍ରେମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ଯୋଉ ତ୍ରିନେତ୍ର ସେ କୋଉଠି ହେଇଗଲା ଜଳିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳି ଗଲେ କାମଦେବ ଭସ୍ମ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ରତି। ସିଏ ଆସିକି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଚାଲିଛି। ଦ୍ଵାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ଆସିବେ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ହେଇକି କାମଦେବ ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ ନା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମାୟାବତୀ ହେଇକି ଆସିବ। ଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାଲା ମାୟାବତୀ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁ ମାୟାବତୀ ଓରିଜିନାଲ ର ନାମ ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ତ ମାୟାବତୀ ତମେ ହବ, ତାପରେ ତୁମେ ତମର ପତି ଦେବଙ୍କୁ ପାଇବ। ତ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି କାହାଣୀଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଡ଼ା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କାହାଣୀ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଦବା ବାସୁଦେବଙ୍କର ଅଂଶ ହିଁ ଭଗବାନ କାମଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି କାମର୍ଷି ଭରତର ଶବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଅବିରୁଦ୍ଧ ଭୂତେଷୁ କାମୋସ୍ମି ଭରତର ଶବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ହଉଛି କାମ ଏବଂ ଧର୍ମ ଅବିରୁଦ୍ଧ। ଚାଲନ୍ତୁ, ସମ୍ବରାସୁର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ବର ପାଇଥିଲା କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିଁ ତତେ ମାରିବେ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ତରଫରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ରଟି ହେଲା ତାର ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ଦଶ ଦିନ ହେଇଛି ଏନ୍ତୁଳି ଶାଳରୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇ ଗଲା। ଭାବନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର କି ଦୁଃଖ ହବ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର କେତେ ଦୁଃଖ ହବ, କାନ୍ଦି ପଟା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସିଏ କଣ କରିଛି, ଦ୍ଵାରକାରେ ତ ଅଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର, ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ଵାରକା ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିବେ। ମୁଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ ୟୁନିଟି ପ୍ଲାନ କରୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ନେକ୍ସଟ 2023ରେ। ବିରାଟ ଡ୍ୟାମ ଅଛି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଟପ୍ ଯେତିକି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା 3-4 ଦିନରେ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଦ୍ଵାରକା ଯିବା କଥା ବି ଯାଇପାରିବେ। ତ ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇ ଦେଲା 10 ଦିନର ଛୁଆ, ସେ ଭାବିଲା ସମୁଦ୍ର ମରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ରଖିବ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ, ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି ଏଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମାଛ ଗିଳିଗଲା। ମାଛଟି ଯେତେବେଳେ ଗିଳିଲା ଯେ କେଉଟ ଯେ ଧୀବରେ ଥିଲା ବିରାଟ ମାଛ ଦେଖିକି ସେ ଭାବିଲା ଆରେ ଆମର ସମ୍ବରାସୁରଙ୍କୁ ଦେବା। ତ ସମ୍ବରାସୁର କଣ କଲା, କିଚେନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଦିଏ। କିଚେନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାୟାବତୀ, ଯିଏ ରତି ଥିଲେ। ସିଏ ହଠାତ୍ ଛୁଆକୁ ଦେଖିକି ଭାବିଲେ କଣ, ସେ ଛୁଆଟାକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମ୍ବରାସୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିବେ। ଏଇ ସମୟରେ ନାରଦଜୀ ଆସିଲେ, ନାରଦଜୀ ଆସିକି ଡାକି କହିଲେ ଦେଖ ଏ ଛୁଆ ହି ତୁମର ପତିଦେବ କାମଦେବ, ତୁମେ ହଉଛ ରତି, ଇଏ ପତିଦେବ ହିଁ ତୁମର କାମଦେବ ହିଁ ମାରିବେ, ଏଣୁ ତୁମେ ଆମକୁ ବଢାଅ ପାଳନ କର ଏବଂ ତୁମେ ସମ୍ବରାସୁର ଠାରୁ ପ୍ଲାନ କରିକି କେମିତି ମରିବେ ତାର ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଜାଣିଦିଅ। ତମେ ହଉଛ ମାୟାବତୀ, ତମେ ରତି, ତମେ ଜାଣ, ଆମକୁ ଶିଖାଅ। ବାସ ଚାଲିଗଲେ। ନାରଦଜୀଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା, ସତକୁ ସତ ଭଗବାନ ଏମାନେ ଆମର କାମ ମାନେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଢିଲେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ନା କାମଦେବ ମଧ୍ୟ, ଓ ଆଜାନୁ ଭାବ ଲମ୍ବିତ ମର୍ତ୍ତି ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଥିଲେ। ଏବଂ ବଡ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ନା, ଛୋଟ ବେଳକୁ ମା ଭାବ ଥିଲା ମାୟାବତୀର, ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଲେ ଟିକେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ ଏମିତି କଣ ତମେ ଭାବ ଦେଖାଉଛ, ତମର ଯଦି କାମିନୀ ଭଳିଆ ହାବ ଭାବ ଅଛି। ଦେନ୍ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ରତି କାମଦେବ, ଏ ରତି ମୁଁ ହଉଛି ରତି, ଆପଣ କାମଦେବ, ଏବଂ ଏହା ହେଇଛି ସମ୍ବରାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ସମ୍ବରାସୁରକୁ କେମିତି ମାରିବେ ତାର ମାୟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ମାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେମାନେ ଯିବା ଘରକୁ। ଆପଣଙ୍କର ମା ଯିଏ ରୁକ୍ମିଣୀ, କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଥିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତୁ,
ओ महामाया नामक विद्या से शिखेले एवं विद्या शिखेले आपण हर मान एग्जांपल दौरान जमती उररी पक्षी छुआ हजिगले उररी के दुख हम बाछुरी जो हजि जा गाई के रंभा रंभा कर कांदुव सेमती रुक्मिणी माँ आपण कांदुंट भगवान कृष्ण मध्य से भावुं तेणु आप शीघ्र योह माया विद्या को जानक शिखी दौर आप आह्वान करापर से ठीक अच्छे शिखीगले आह्वान कर चलने जो आह्वान कले संभ्रासर संग्रह सत क्रोध रे फोंक ही चलला धन गदा फोपाड़ा लगला गर्जन करने लगला प्रद्युम्न देखले असुर गदा आप जोर आसुची से निजर गदा को तले पकईदे क्रोध भरे हो निजर गदार प्रहार कर कृष्ण सीरीयल मु देखुले से समय मझे मझे हरिलाल को मायावती आसिक सब शिखाते प्रभु आप करेंगे आपती करेंगे अंड जीति भी संग्रासर अनेक प्लान कला बहुत यज्ञ भी करेला मारवाई किंतु प्रद्युम्न को मारी पारा प्रद्युम्न बड़े शक्तिशाली हो जाते प्रद्युम्न अस्त्र शस्त्र महारथी पक चलला सप्तमयी माया विचार कर पकेला जक्ष गंधर्व पिशाच नाग ये सब कला कहुए सीरीयल जो बड़ा सुंदर दौरा शास्त्र अनुसार प्रद्युम्न को मारे मारण यज्ञ करेला बर तार ही सी जो असुर को उत्पन्न कला से असुर ही निजे नष्ट कृष्ण कुमार प्रद्युम्न महाविद्या तो जानी तीक्षण तरवार उठे कि संभ्रासुर किरट कुंड शोभित लाल लाल दाढ़ी निशयुक्त भयंकर मुंडटा को एक चोरी काटिदेले जितने काटिदेले मायावती बहुत खुशी गले समस्ते पुष्प वृष्टि कले से तो रति थे विद्या मत जानी आकाश मार्ग उड़ी द्वारका को आसीगले द्वारका जो आसले सुंदर श्यामल वर्ण प्रद्युम्न को देखिके एवं रति होचंती बिजुली भलिया जमती रुक्मणी एवं भगवान कृष्ण लगिले समस्ते तो कृष्ण बोली भाविकी से अनुसार भितर जो लज्जा भाव आसीगला कि जानले कि नहीं नहीं ये तो पुरुष देहर रंग वर्षा कालीन श्यामल भलिया पीतांबर मध्य पिंधि बड़ा एग्जाक्ट कृष्ण भाया कि केवल ये मयूरपुंच ना श्रीवत्स चिन्ह ना मान ये आउ जड़े आजानुलंबित भुज ईसत लाल लाल नयन सुंदर मुखर मंद मंद हस्य अपूर्व छटा मुखार बिंदर कुंचित नील अलका भि भ्रमर मान खोजुंत रूप को देख कृष्ण बोली भाविगले कि लज्जारे भाविले पर विचार कले किए आहा देखु देखु रुक्मिणी भितर मध्य भावना आसला जो बक्षस्थल स्थान रु क्षीर भईगला एवं जहाँ गर्भ मोरी ही पुओ बोली भाविले से बहुत खुशी हो गले आनंदित हो गले देवकी वसुदेव श्रीकृष्ण बलराम रुक्मिणी समस्ते खुशी हो गले नव दंपती को विवाह करेले बहुत भल भाव तेणु बोल कामदेव रति प्रद्युम्न रति सहित बहुत गला हजि जा प्रद्युम्न को देखिक समस्त आनंदित आनंदित जीवन धन्य हेगला माधुर्य भाव खुशी गले एकाठ को श्रीनिकेतन भगवान प्रतिबिंब देखिकी कौन आश्चर्य नुहते सुंदर एंड एमती आनंद आनंद चलला एबे भगवान अन्यान्य विवाह कथा कालीठर आम देखा भगवान बड़ हो गले विवाह प्रथम पुत्र भी हो गले अन्यान्य पुत्र अच्छा जो आम वैष्णव संप्रदाय रे ना अनेक सब सुंदर सुंदर कथा रही रूप गोस्वामी गोटे नाटक लिखी हूँ ललिता माधव से ललिता माधव रे कहते जो भगवान कृष्ण चलीगले कौट
मथुरा को आसीगले राधा बहुत विकलित हो विरह और सही पारे वृषभानु जी राजा से सूर्यंकर भक्त थे ललिता माधव रे नाटक जो लिखिं से कहानी अच्छी जो सी सूर्य तपस्या कले कले कहले कि मोर एम जो झीटी अच्छी राधा सूर्य कहले आपण झील हूँ महामाया योग माया जदि आप चाहती ताले सही महामाया शक्ति आपण झील शक्ति रु नहीं कि मोरी झील रूप आसवे आप चाहिए ना हो तो सूर्य शक्ति रु सत्य भामा रूप से राधा शक्ति आसता अच्छा ये रुक्मिणी किए कारण रुक्मिणी हूँ कहते चंद्रावली बोली जन सखी थे चंद्रावली मन रहा कि राधा को ही सब समस्ते स्नेह करदी मोर टे जीवन रे आसंता मुझे बड़ रुक्म बड़ हे बड़ राणी ही कहते राधा भी मो अंडर राधा बहुत मा प्रकृति बहुत दयालु करुणावान करुणाशील से कह ठीक अच्छे तुम्हें रुक्मिणी हेके आस ना सी देख चंद्रावली शक्ति अच्छी से रही वृंदावन किंतु ये सब तो भगवान अलग अलग शक्ति ना जमी बिहार झारखंड छठी कहते ना शिवपुराण देवी पुराण अच्छी मा जोग मायार षष्ठ अंश रही छठी जमी प्रकृति योग माया अलग अलग अंश स्टेप है राधा मध्य गोटे सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा एमती सिक्स्थ षष्ठ अंश छठी कहते छठी मान कौन षष्ठ अंश फिर सूर्य सहित कनेक्शन सूर्य अर्घ्य दि जाए तीन दिन से कराए तो चंद्रावली रही से वृंदावन चंद्रावली अंश रुक्मिणी ये ललिता माधव कथा कौट गोटे निश्चय अन्यान्य पुराण रे भिन्न भिन्न हरिवंश ठू आरंभ कर पुराण रे कथा रही पर मुहूर्त जमी रामचरित मानस रामायण भगवान राम कथा अनेक अच्छे लिखी ये हूँ भक्तिर भाव ललिता निजे जाम्भवती तेना जाम्भवती सत्यभाम रुक्मिणी ये तीन जन कनेक्शन रही बर्तमान खाली आम मैंने देखा 56 अध्याय जाम्भवती सत्यभामा सहित दिज जग गोटे बाहर केमती बाहर कौन से मैंने खाली देखा ये भगवान कर लीला ही बड़ा सुंदर 56 अध्याय तो यहाँ बुझे आप रूप गोस्वामी ललिता माधव नाटक यह लिखी कि वृषभानु सूर्य को तपस्या कले सूर्य कह कि ना मु शक्ति दौची सत्राजित हूँ मोर भक्त झील हिसाब से जन्म ने सत्यभामा तो सत्यभामा राधा अंश रुक्मिणी चंद्रावली अंश ललिता अंश जाम्भवती एमती वर्णन भावना अन्यान्य पुराण अच्छे अष्टपाटराणी अष्टपाटराणी जे भगवान अष्ट प्रकृति भगवान अष्टपाटराणी आतरे अष्टपाटराणी अष्ट प्रकृति भूमिराप नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार भिन्ना प्रकृति अष्टधा ये जो अष्टधा ये अष्टपाटराणी तेना गोटे गले रुक्मिणी तापर अन्यान्य राणी आम मैंने का देखा ये ही भगवान चरित्र भगवान लीला ये ही गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय गोपाल जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय राधा रमण राधा रमण हरि गोविंद जय जय नारायण 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 लक्ष्मी नारायण ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांतिः शांतिः शांतिः।